आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। समरापी को जन्नत की बीमारी के बारे में कुछ नहीं बता दी और फिर ऊपर से रिदा की बदतमीजी क्या सोचती होंगी वो। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि समरापी से जन्नत के बारे में बात कैसे करूं। मम्मा रो नहीं है। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मम्मा को तकलीफ होती है ना मेरी जान। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हाँ मेरी जान बिल्कुल ठीक। क्या हो गया, ऐसी क्या बात हुई है खाला से जो तुम इतना परेशान हो? तंग आ गई उनकी दुनिया से। दुनिया ये, दुनिया वो, दुनिया ये कहती है मैं नहीं कहती, दुनिया कहती है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो तुम? खाला जान कह रही थी कि आप लोगों को पता था कि जन्नत बीमार है, लेकिन आपने उसे ससुराल इसलिए भेजा ताकि हम लोग उसका इलाज करवाएं। हाँ तो वो तो खुद उसे हमारे घर से लेके गई है ना। अब मैं कैसे कहूँ अबू से कि जन्नत की इलाज की जिम्मेदारी हमारी है? क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो? जन्नत हम सबकी बच्ची है, हम सबको उतनी ही प्यारी है। और देखो इलाज वो करवाएं हम, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल बात यह कि इलाज होना चाहिए। कि नबील इतने पैसे आएंगे कहां से? सब हो जाएगा, तुम बस परेशान नहीं हो। ओके अम्मा, मेरी इस जहन्नुम से जान कब छूटेगी? आपने अभी तक कुछ नहीं किया मुझे ससुराल से निकलवाने के लिए। समरा आई थी और आप उसे भी वापस ले गई। हाय तौबा, मैं कहाँ लेकर आई हूँ उसे? ये तो तुम्हारे भाई के दिल में उसकी मोहब्बत जोश मारती रहती है वरना। और उस पर सुना था कि जन्नत भी बीमार पड़ गई, तो वापस तो लाना था ना उसे। अम्मा, उसके इलाज पे तो बहुत खर्चा आएगा, अब क्या होगा? मैंने कह दिया है ससुराल वाले संभाले इस बीमारी को। सलमान के पास कहाँ है कुछ कि वो इलाज करा सके। हाँ कह तो आप ठीक रही हैं। तुम देखती जाओ होता क्या है। अम्मी जाहिद आ गया, मैं ना उसे देख लूं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। मेरी मुसीबत है ये। कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, बस तुम फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपकी कोशिशों में ना जाने क्या से क्या हो जाएगा। किसे बात कर रही थी? अम्मी से। क्या कह रही थी अम्मा को? देखो सच सच बोल दो, मुझे उगलवाना बहुत अच्छे से आता है, तुम जानती हो। वो जन्नत की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। अच्छा, समरा को नहीं किया फोन तुमने, या अपने भाई को फोन नहीं किया? सीधा अम्मा को फोन कर दिया। अम्मा बड़ी याद आती हैं तुम्हें है? हाँ तो याद आती है अम्मा, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा तुम्हें अम्मा याद आए उसका कोई मसला नहीं है, मेरी बहन अभी 3-4 दिन के लिए अम्मा के पास रहने आ जाती है, तो खाला अगले दिन पहुंच जाती है वापस लेने उसे। तो एक काम करते, तुम अपनी बहन को यहाँ पे बैठा लो और मुझे अम्मा के पास भेज दो। हुँ? भूल जाओ, नहीं हो सकता है। चाय ला के दो। और चीनी अलग लेके आना,
शीरा ले आती है। यू गाइस वॉच टीवी, मुझे रूम में कुछ काम है और तुम लोगों के लिए कॉफी का भी बोल के आती हूँ। ऐसा क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। पागल मत बनाओ। पागल तो तुम बनाने वाली हो हम सबको। बहुत बोलते हो तुम। शर्माते हुए और हसीन लगती हो तुम। तुम्हें पता है जिस सोसाइटी में मैं मूव करता हूँ वहाँ शर्म नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर तुम इतना प्यारा शर्माती हो कि क्या बताऊँ। सुनो, अगर तुम इजाज़त दो तो एक बात कहूँ। कहो। I love you. इससे पहले कि तुम्हें बहुत से लोग कहें मैंने सोचा मैं क्यों ना कह दूं। और मैंने सुना है कि लड़कियां अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। So, इस बहाने तुम मुझे हमेशा याद रखोगी। जाहिद, तू एक काम कर, जा के देख कर आ, वहीं बैठी होगी माही के घर, और कहाँ होगी? बोला था इसकी शादी करा दो, नहीं तो आपके मेरे मुंह पे कालक थोप के भाग जाएगी किसी के साथ। अरे बेशरम बेहया, अपनी छोटी बहन के लिए ऐसी बातें करता, तुझे शर्म नहीं आती? माँ, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, सच बदल नहीं जाएगा। दुआ, फोन कर उसे। किया था मैंने, फोन नहीं उठाया उसने। सच सच बता, तूने पढ़ाया ना बेहयाई का सबक उसे? हाँ, पहले अपने गिरेबान में झाके देखो, दूसरों पे इल्जाम लगाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। चल चल, मुझे मत पढ़ा, जानता हूँ सब कुछ मैं। अब्बा, दूल्हा लंगड़ा ढूंढे और शादी करवा के चलता करें उसे इस घर से। बकवास बंद करो, बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूं मैं। मेरी बेटी है, मुझे ज्यादा ख्याल है, ज्यादा फिक्र है उसकी। क्या फिक्र है आपको? क्या फिक्र है, क्या किया आपने? अरे हमसे ही लड़ता रहेगा या उसको ढूंढ कर भी लेकर आएगा वापस घर पे, जा दफा। जा रहा हूं मैं। और तू, जब तुम दोनों साथ जाते हो तो वापस साथ क्यों नहीं आते? क्यों नहीं लेकर आती उसको वापस? अरे इसकी कहां चलती है उसके सामने। अब बाया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बाएगा मजा। यार प्लीज न्यूज़ हटाओगी? उफ़।
So funny. भाई, ओ हेलो, कहाँ चले आ रहे हो? और इस तरह बार बार किसी घर मुंह उठा के आते हो तो मैं शर्म नहीं आती? What the hell? आइंदा मेरी बहन के साथ दिखी तो ये हाथ सिर्फ इस पे नहीं उठेगा। देखा है तुमने? जाहिद सही कहता है, रिदा की शादी कर दे कम से कम। शादी इस मसले का हल नहीं है, हमारी तरबियत में ही कोई कोताही हुई है। तरबियत ना एक हद तक साथ देती है, जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो वो अपना अच्छा बुरा खुद समझने लगते हैं। माँ बाप का फर्ज है वो औलाद को बताएं हराम और हलाल की तमीज, सच और झूठ और इख्तियार क्या है। अब लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यही तो सोच रहा हूं कि अब हम किसी रुसवाई का मुंह ना देखें। बस बहुत हो गया, मैंने सोच लिया है, मैं सुबह ही ना रिश्ते वाली से बात करती हूँ। गजब खुदा का, इतनी रात हो गई है अभी तक घर नहीं आई, मोबाइल फोन भी ऑफ है उसका। दुआ भी तो हमारी बेटी है, कितनी अच्छी, कितनी पाक, और ये दोनों तो एक साथ पढ़ती हैं। रिदा क्यों नहीं सोचती है? क्या करें? चाबी दो मुझे, चाबी दो, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं खुद पूछूंगा अपनी बेटी से। ऐसी औलाद को पैदा होते ही गला घोट के मार देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे चाबी दो। अब ये इस कमरे से सिर्फ तब बाहर निकलेगी जब इसकी बारात आएगी। चाबी दो मुझे। चेता, तुम्हें पता तो है ना भाई कितने सख्त हैं। अब तुम इस तरह से रातों को देर से आओगे तो वो तुम तो बस कर दो दुआ। रिदा तुम्हें पता है अब्बू कितने परेशान हो रहे थे, तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं सोचना भी नहीं चाहती। क्योंकि मेरी मंजिल यहाँ नहीं है, मेरी मंजिल यहाँ से कहीं दूर आसमानों पर है, जहां तुम सब मुझे सर उठा कर देखोगे।
लेकिन रिदा उसके लिए जरूरी तो नहीं है इतनी रातों को घर आ जाए। अगर तुम्हारी शादी की बात, मैं रिदा उस्मान एक जीती जागती लड़की हूं। अगर किसी ने मुझ पे यूं रोब जमाने की कोशिश की तो उसके नतीजे के जिम्मेदार वो खुद होंगे। My God, I can't believe it, यार। तो तुम्हें अपने basic rights के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है। कितने backward लोग हैं ये लोग। माही, please मेरी help करो। कहीं ये लोग मेरी शादी अपने जैसे लोगों में ना करवाते। No, साफ साफ मना कर दो। तुम अभी पढ़ रही हो, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी life है enjoy करने के लिए। किसी भी एफ या बर्ड में पढ़ने की जरूरत नहीं है। Just say कि तुम किसी और से प्यार करती हो। सुन लिया? तसल्ली हो गई? मर्जी से शादी करनी है उन्होंने, अपनी मर्जी से। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने कहीं। कम से कम मेरे इन सफेद बालों का तो ख्याल किया होता बेटा। अच्छा होता कि आज के जमाने में भी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते पैदा होते ही। डोली उठने से पहले जनाजा उठा दूंगा, इसको समझा दे। सिला दे रही हो हमारी मोहब्बत का, इसलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था कि बाहर जाके रिश्ते तलाश करती फिरो अपने लिए। हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? ये मेरी जिंदगी है। रिदा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि औरत की जिंदगी अपनी नहीं होती? अम्मी, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, अब ऐसा नहीं होता। आज के दौर में मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। रिदा, तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है? हाँ, चादर, पर्दा, हिजाब, कम से कम अपने नाम की तो लाज रख लेती। नाम बदलूंगी मगर जीऊंगी अपनी मर्जी से। रिदा, ऐसा ना हो तुम्हारे किए की सजा हम सब घर वालों को मिले। अम्मी, जब देखो वही बातें, वही नसीहतें। मैं फेड अप हो चुकी हूं बस। रिता, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने अपनी मनमानी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? क्या हुआ, किस सोच में गुमो? कहीं वाकई मोहब्बत तो नहीं हो गई? मोहब्बत? हमारा घर मोहब्बत के लिए नहीं बना। तो फिर मुंह पे 12 क्यों बजे हुए? तुम्हारी बात पर अमल किया था। अम्मी से कह दिया मैंने, जहां मैं चाहती हूँ वहीं शादी होगी। फिर क्या, बहुत डांट पड़ी। लेकिन प्रॉमिस में कि तुम अपनी बात पर डटी रहोगी। फजूल में प्रेशराइज कर रहे हैं यार तुम्हें, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें मैंने जैसे कहा है ना वैसे ही करना। सानिया, ये बेडशीट ना
रिता के कमरे में बिछा देना, और जब मेहमान जाएं तो उठा लेना, कहीं ऐसा ना हो दाग लग जाए। उसके जहेज के लिए रखी है मैंने। नहीं प्लीज, एक दफा रिता से तो पूछ लें। तुम्हें याद नहीं है पिछली दफा क्या हुआ था? हाँ, मगर फिर भी कहीं हमारी मेहमानों के सामने इंसल्ट ना हो जाए। एहसान अंकल के दोस्त रिश्ता ला रहे हैं रिदा का, कहीं ऐसी वैसी बात हो गई तो क्या करेंगे हम? अरे कुछ नहीं होता, और तुम्हारे अब्बू ने एहसान भाई से बात कर ली होगी, वो समझदार आदमी है, वो साथ होंगे ना तो अच्छा रहेगा। करम्मी आप लड़के को तो ना बुलाएं। अरे क्यों ना बुलाऊं, बल्कि तुम तो नबील को भी कह दो, वो भी आ जाए। चलो मैं बाहर का देखूं। हेलो नबील। अरे अरे अरे, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? तुम्हें पता है ना रिश्ते वाले आ रहे हैं, चलो चलो। बेटा चाय दो ना सबको। जी जी, चाय नहीं ना, मैंने बनाई है। हमें आपकी बेटी पसंद है। अच्छा, मगर मुझे तो आप लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या कह रही है बेटा? ताईजान, ना मैंने जानती हूँ ना पहचानती हूँ, ऐसे कैसे पसंद कर लूँ? बेटा शादियों में इसी तरह हुआ करता है, लड़का लड़की पहले किसी को जानते भी नहीं है, लेकिन उसके बाद एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हैं। ताई अब्बू, ये बहुत पुरानी बातें हैं, मैं आज के दौर की लड़की हूँ, मुझसे ये तवक्को मत रखें आप लोग। और वैसे भी मैं तो घर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। क्या किया रिदा? तुम्हें इस तरह से सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। एहसान अंकल के दोस्त हैं वो, बहुत अच्छे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हो गया बस, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें कोई लाज ही नहीं है एक्चुअली। जाहिद, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर बचाते फिर ना अपनी इज्जत।
कर बैठा भाई साहब। जिस औलाद को अपने हाथों से जवान किया वो वही औलाद मेरी बेइज्जती का सबब बन गई। इसमें तुम्हारी गलती है उस्मान। तुम्हें रिदा से इस सिलसिले में उसका इंदिया लेना चाहिए था। पूछा था मैंने भाई साहब उससे, पूछा था, उसने इनकार किया। मैं वो रिवायती इनकार समझा तो, हालांकि मेरी गलती थी। बस यही हमारी भूल होती है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, आप जैनदे, मैं नहीं चाहता कि आपकी इंसल्ट हो। और वैसे भाई साहब, जब से इसकी एक क्लास फेलो उससे इसकी दोस्ती हुई है ना, ये बिल्कुल बदल गई है, पहले ऐसी नहीं थी। मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें उसके वजह से परेशान होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में तुम उससे बात करो और उसे पूछो, अगर ऐसा कोई मामला है तो मेरे ख्याल में तो कोई कबाहत नहीं है इसमें। अरे उस्मान, इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? अरे भाई, ये उसकी जिंदगी है और उसे ये जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। देखो मेरे ख्याल में वो गलत नहीं है, तुम उससे बात करो। आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा अकलमंद हैं, ज्यादा बाशऊर हैं। ठीक है, मैं रिदा से बात करता हूं। कि मैं सोच रहा हूं कि जाहिद किस तरह रिएक्ट करेगा सारे मामले में। उसे भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि तुम खामोश कैसे रह गए। वहां रिदा ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी और तुम चुप खड़े हुए थे। घर का मामला यार, हमारे चुप करो। अच्छा तो मैं कौन हूँ, मैं इस घर में क्या हूँ? ये भाई बहनों का आपस का मामला है। इस घर में किचन में मैं सरती हूँ, झाड़ू पोछा मैं लगाती हूँ। इस घर की बेटियां क्या करती हैं? बस जाके पढ़ाई करती हैं। वो भी नफलों का स्वाद क्या मुझे मिलता है? और सबको पता है क्या चांद चढ़ाकर आती हैं वो। तुम चुप करोगी? हर वक्त बोलती हो तुम। तुम बस मेरा मुंह बंद करवाना, लोगों का मुंह कौन बंद करवाएगा? क्या तुम नहीं जानते रिश्ते वाले कैसे जलील होके गए? तुम्हें क्या लगता है रिदा के बारे में वो कोई अच्छी बातें कर रहे होंगे? तुम्हारी ये तो जबान है ना, ये खेचड़नी है। मैंने मुंह बंद करो। पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, और तुम्हारा भी रोबना सिर्फ मुझ पे ही चलता है। दूसरों का मुंह बंद करके दिखाओ ना मुझे। क्या रिदा की, सोई नहीं बेटा? आप भी तो जाग रहे हैं। बेटा मैं ये सोच रहा था कि घर को आग लग जाए तो घर को बचाया जाए या अस्बाब को। अबू मैं आपकी ये कैफियत समझ सकती हूँ। तो बेटा मेरी इस कैफियत की लाज रखना, मुझे कभी अपना गम ना देना। खुदा के लिए अबू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा वो क्या चाहती है, कहाँ चाहती है, मैं उसको देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे डर है कि कहीं मेरे दिल में उसके लिए शफकत और पिदराना मोहब्बत खत्म ना हो जाए। ठीक है, अगर वो आग में कूदना चाहती है तो
मैंने अपने आप को हर हालात के लिए तैयार कर लिया है। लोग बेटियों को रहमत कहते हैं, मैं भी यही समझता था, लेकिन अब क्या कहूं। अब वो जाहिद, आज खेलोगे नहीं? नहीं। क्यों? मूड नहीं है। आजा यार, खेलते हैं। अरे बोला ना मूड नहीं है, जा खेल तू अपना। मूड नहीं है या पैसे नहीं है खेलने के लिए? मजाक उड़ाते हो मेरा? नहीं। ओए, ओ जाहिद, ओए, पीछे। मैं पागल हो गया तुम लोग क्या? मैं लड़ाई झगड़ा को हर मसले का हल थोड़ी है। चलो अंदर, चलो चलो अंदर। अरे जाहिद, चल मेरे साथ अंदर, चल पानी पी, नॉर्मल कर अपने आप को, चलना मैं कह रहा हूं, चल। ये तुमने अच्छा किया यार, अभी से शादी के चक्कर में पड़ोगी तो 4-5 सालों बाद तुम्हें कोई पहचाने का भी नहीं। और सच बताऊं, जिस जगह में तुम्हें लेकर आया हूं ना, हसीन लड़कियों की ये मंजिल है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं हर तूफान से लड़ लूंगी। जब तुम बहुत ज्यादा मशहूर हो जाओगी, ऐसा तो नहीं तुम मुझे भूल जाओगी। याद रखना, पहला ऑटोग्राफ मैं ही लूंगा। इज इट लाउड एंड क्लियर? डन। अच्छा बताता हूं, बताता हूं। हे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? हेलो, क्या हाल है? व्हाट्स अप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? Please, please, guys, be seated. Thank you. Rida, he's my friend, Aqil, मशहूर फैशन डिजाइनर। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि फैशन अपना रुख इनसे पूछ कर बदलता है। And Aqil, she is my friend, Rida Usman. यकीन कीजिए, समी इतनी तारीफें करता है आपकी कि मुझे आप पे रश खाता है। तो सच बताना, गलत करता हूँ मैं इतनी तारीफें? जितनी मुझे खासे करता था तारीफ, उससे रिदा बहुत ज़्यादा हसीन है। बस मुझे लगता है थोड़ी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। असल में ये मिडिल क्लास की छाप चेहरे से जाती नहीं, बहुत पावरफुल होती है। उसको हटाने के लिए आपको बस जिम जाना होगा, सैलून जाना होगा, एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन। रिदा, क्या आप मेरे ऑफिस आ सकती हैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा? आखिर तुम्हारा ऑफिस आउट ऑफ द वे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम किस मर्ज की दवा हो? दोस्त कहते हो तो दोस्त बन के दिखाओ। सर, कोई मसला ही नहीं है, मैं रिक्शे में आ जाया करूंगी। बिल्कुल भी नहीं रिदा, आप समी की दोस्त हैं, यानी आप मेरी दोस्त हैं। आपको गाड़ी मेरी पिक करेगी और इसके लिए आपको मुझसे सिर्फ एक डील करनी पड़ेगी। अब गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। या श्योर। इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हेलो सर, वो आप डील की बात कर रहे थे। डील से वित्तीय सी होगी कि अगर आप मेरे साथ काम कर रही हैं तो अगले 1 साल तक आप किसी के साथ ना फोटोशूट कर सकती हैं ना कोई काम। आप कहीं भी अगर काम करेंगी तो मेरी परमिशन के साथ करेंगी। बस इतनी सी बात है? और क्या? मुझे मंजूर है। सही है, फिर लेट्स डू इट, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। डन। रिदा, ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? क्या हुआ मेरे कपड़ों को? अगर अब्बू ने देख लिया तो? वो जब देखेंगे तो मैं भी देख लूंगी, आप परेशान ना हो।
अम्मी जी नजर लगाएंगे क्या? नहीं, जूते। हाँ, जवान औलाद पे हाथ नहीं उठाते, क्योंकि जब औलाद माँ बाप का हाथ रोकती है ना, तो बहुत बहुत सुबकी होती है। सुबकी समझती है ना आप? बकवास नहीं कर, जा जाके अपने कपड़े चेंज कर। ये शलवार कमीज पहन, तेरे अब्बू कभी भी आ जाएंगे, देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। क्या बुराई है इन कपड़ों में? पूरा जिस्म ढका हुआ है मेरे। शर्म नहीं आती है आंखों में आंखें डाल के जवाब देती है? तुझे किसी ने नहीं सिखाया कि माँ बाप के साथ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते? जब बड़ों से कोई बात नहीं बनती ना, तो वो ऐसी ही बातें करते हैं। देख मेरा बच्चा, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, वहां पे ऐसे कपड़े पहनने वालों को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, पीठ पीछे आवाजें कसते हैं। तेरे अब्बू से किसी ने तेरे बारे में सवाल कर लिया ना, तो उनका सर शर्म से झुक जाएगा। देख देख, जब तू ब्याह के जाएगी ना, हाँ, तो वहां जाके जैसे दिल चाहे कपड़े पहनना, जैसा चाहा मेकअप करना, तुझे वहां कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बेटा, यहाँ नहीं। तब की तब देखी जाएगी। जीना अजाब कर दिया आप लोगों ने, अपने घर में सांस लेना तक मुहाल कर दिए आप लोगों ने, और आप लोगों की सो कॉल्ड इज्जत ने।